हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर 1 की वीडियो लेके आया हूँ। इसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कई पार्ट्स में करेंगे। देखिए, इसमें जो टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट, रियल नंबर्स, यूलिड डिवीजन लैम्बा। थर्ड, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर एंड दियर एक्सपेंशंस, हमें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें तो आज की जो ये वीडियो, इसमें हम जो क्लियर करेंगे वो हम अपना ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, यूलिड डिवीजन लैम्बा एंड फर्स्ट रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को रियल नंबर के बारे में देखना है तो एक सिंपल सा फंडा बता दूं, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज व्हाट? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसको अगर ज्यादा ही डिटेल में आपको जानना है तो आप क्लास 9th की जो नंबर सिस्टम की मैंने वीडियो बनाई है पार्ट 1, उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने रियल नंबर को डिफाइन किया है पूरे अच्छे से। ठीक है ना, तो बात करते हैं यूलिड डिवीजन लैम्बा मेथड की। यूलिड डिवीजन लैम्बा ये क्या है? ठीक है ना, तो यूलिड डिवीजन लैम्बा, इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। सिर्फ हमें यही क्लियर करना है। ठीक है ना, यूलिड डिवीजन लैम्बा जो होता है आपका, वो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है। एक्चुअल में ये क्या है, एक डिवीजन एल्गोरिथम बता रहा हूं मैं आपको, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, इसमें ए क्या है आपका, ए आपका डिविडेंट है, बी आपका डिवाइजर है। ठीक है ना, आर आपका क्या है, रिमाइंडर है, एंड क्यू इज एनी नंबर। ठीक है ना, क्यू एक कोई भी नंबर हो सकता है। कंडीशन क्या होती है इसमें, ध्यान से समझना इस चीज को। आर जो होता है हमारा, आर उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमारा जीरो से क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, बट बी से छोटा होगा। इस चीज को समझो जरा, इसको मैथमेटिकली समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक डिवाइड दे रहा हूं, मैं टू का दे रहा हूं डिवाइड। देखो, आप देखें ध्यान से, मैं टू का डिवाइड देने जा रहा हूं 25 में। ठीक है, टू बन जा टू, टू टू जा फोर, वन रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं इस 25 को जरा देखो कैसे लिखूंगा, इस 25 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, प्लस 1, यही तो लिखेंगे हम बचपन से पढ़ते आए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्यू क्या है हमारा यहां पर जो है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है ना, प्लस क्या है, रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर हमेशा जब भी बचता है, रिमाइंडर जब भी बचता है, वो इस डिवाइजर से क्या होता है, क्या होगा आपका, छोटा ही होगा। ठीक है ना, इस डिवाइजर से क्या होगा, वो हमेशा छोटा होगा, बट जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि अगर जीरो बन के आ गया तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। भाषण में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यही डिवीजन एल्गोरिथम को हमने इसी फॉर्मूले जो हम पढ़ते आए ना, डिवीजन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर, उसको हमने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखा है। यहां पर बी क्या है हमारा, बी क्या है, ये डिवाइजर। आर क्या है हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, वो सॉरी, आर क्या है हमारा, हाँ रिमाइंडर। आर क्या है हमारा, रिमाइंडर। क्यू क्वाड्रेंट है कोई, और ए हमारा डिविडेंड अंदर है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में हमारा, इस वाले क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या थी, क्या क्या हो सकता था, या तो जीरो होता, या वन हो है ऑलरेडी, या कितना हो सकता था हमारा, टू। टू होता क्या, नहीं होता, क्योंकि डिवाइड चला जाता। तो इससे कम, यानी बी से छोटे जितने भी नंबर होंगे, कहने का मतलब किसी भी एल्गोरिथम में, किसी भी डिवाइड में जो हमारा डिवाइजर होता है, उससे छोटे जितने भी नंबर होते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं रिमाइंडर के लिए। ठीक है ना, तो हम और इसका जो यूज करते हैं अधिकतर, हम इन्हीं ऐसी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती हैं जिनमें हम प्रूव करने होते हैं, कुछ इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इनकी फॉर्म हमेशा जो 2q या 2q प्लस 1 होती है, जैसे हमारा इवन नंबर है, ठीक है, वो 2q की फॉर्म में ही क्यों होता है, या ऑड नंबर है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में ही क्यों होता है, तो उसको हम इससे ना सॉल्व करके दिखाएंगे, इस चीज से हम उसे प्रूव करके दिखाएंगे। और इससे हम SCF फाइंड करते हैं, क्या करते हैं इससे फाइंड हम, SCF। ठीक है ना, क्योंकि SCF अगर आपको याद हो तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड करते थे और डिवीजन मेथड से फाइंड करते थे, तो वो डिवीजन मेथड से जो हम SCF फाइंड करते थे, वही चीज यहां पे लागू हुई। देखो, एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, ठीक है, हम SCF ही फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, फाइंड द SCF ऑफ 14 एंड 196। ठीक है,
इसका हमें एस सी एफ बताना है, तो हम डिवीजन मेथड से जब इसका एस सी एफ निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 41 + 14 = 56, 14 + 4 = 56, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, यानी 14 आ गया। अब इसी चीज को हम एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो देखो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ऐसी वो 49 = 196, ठीक है। तो यहां पे हम कंपेयर करते हैं, हमेशा याद रखो जो छोटा नंबर होता है वो हमारा होता है बी, बड़ा नंबर क्या होता है ए। तो यहां पर हमारा 196 क्या है, ग्रेटर है 40 से, तो यानी बी की वैल्यू जो हो गई हमारी वो 14 हो गई और ए की वैल्यू क्या हो गई 196, ठीक है। तो हम बाय यूलिस एल्गोरिथम, ठीक है, इस ए को क्या करेंगे, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो ही था हमारा, देख लो चेक कर लो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, तो इस कंडीशन में हमारा जो आर होगा वो बी यानी 14 से छोटा ही रहना चाहिए। तो हम सबसे पहले 196 को जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले देखो हमारा जो आएगा 14 × 14 प्लस क्या आ गया 0, ये तो आएगा, डिवाइड देखो करके देख लो ना, डिवाइड वाला जो हमने करा था 14 × 14 × 0 तो आएगा। तो ये देखो ये किसकी फॉर्म में आ गया, ये बी आ गया, ये क्यू आ गया, ये आर आ गया, तो आर यहाँ क्या आ गया 0, और मैंने क्या बताया था आर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा बट बी से छोटा होगा, बी कितना 14 छोटा ही है। तो यहाँ पर जो हमारा एस सी एफ जो आता है, हमेशा हमारा एस सी एफ जो आता है वो हमारा क्या आता है, लास्ट डिवाइजर यानी बी कितना 14, ठीक है। छोटा सा था ये इसलिए समझ में नहीं आया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं वो उसे क्लियर होगा आपको। यूज यूलिस एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 and 12576, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कंडीशन क्या है हमारी, ये नंबर क्या है बड़ा है, ठीक है, तो हम जो बड़ा नंबर है उसको इक्वल में लेके चलेंगे हम, और इसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कब पॉसिबल है, जब हम यहाँ पे डिवाइड देंगे, देख लेंगे इसका पहले एक बार, 4052 का भाई इसमें डिवाइड देंगे हम 12576, तो ये डिवाइड हमारा जाएगा 3 times, ठीक है ना, 3 times, हाँ 3 times जाएगा, ये 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा जो बचेगा यहाँ पर वो बचेगा 420, ठीक है, देख लो चेक कर लो, रिमाइंडर 420 बच रहा है ना, अब डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, तो हम यहां इसी चीज को हम क्या लिख देंगे, 4052 × 3, ठीक है, प्लस 420, ठीक है, जो बच गया। अब यहां पर हमारा क्या था, ये देखो ध्यान से देखो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप वन था हमारा, स्टेप वन, ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो बी है वो ए बन जाएगा यहां करके, जो ये बी की वैल्यू जो ये है वो यहां आगे क्या बन जाएगी ए, ठीक है, और जो आर है वो बी बन जाएगा, यानी ये ए हटता चला जाएगा, ए की वैल्यू जो है वो हटती जाएगी यहां से, अब ए हट गया, बी यहां आ गया, आर यहां आ गया, अब यहां नया आर आएगा कोई और, ठीक है, और जब जब यहां पर बी यहां पर कितना आ जाएगा हमारा 420, तो इस बार हम किसका डिवाइड करेंगे 420 का, किस में करेंगे 4052 में, ठीक है। तो 4052 में डिवाइड करने पर हमारा कितने टाइम जा रहा है, ये 9 times, ठीक है, 9 times जा रहा है, तो बचेगा हमारा 272 बचेगा, तो कितने टाइम्स गया देखो जरा, 420 × 9 + 272, ये मैं रफ वर्क करके देख रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना, आगे लेसन में यहां फिर दोबारा आप अगेन, ये हमारा आ गया बी क्यू प्लस आर की कंडीशन में आ गया, नहीं आ गया देख लो। अब स्टेप थर्ड में ए आ जाएगा, ये बी यहां आ जाएगा, यानी ये 420 यहां आ जाएगा, ये आर इसके साथ आ जाएगा, यानी अब रिमाइंडर जो हमारा 272 था अब उसका डिवाइड किस में करेंगे 420 में, तो 272 का कर देंगे डिवाइड 420 में, कितनी बार जाएगा 1 time, 10 × 2 = 11, 7 × 4 = 148 बचा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा यहां पर चेक करो, 272 × 1 + 148,
देख लो कंडीशन फिर दोबारा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये ए हट जाएगा, ये 272 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे में। अब क्या करेंगे हम, 272 नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ गया, वो ए पे आ गया, बी की वैल्यू जो थी और रिमाइंडर जो 148 था वो क्या बन गया हमारा बी, तो 148 बन जा 148 माइनस करेंगे कितना बचा 4 2 124, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इस बार 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124, ठीक है। देख लो चेक कर लो ए इक्वल टू क्या आ रहा है, बी क्यू प्लस आर। स्टेप फाइव देखो, ये क्वेश्चन के ऊपर, जरूरी नहीं कि स्टेप जितने मैं लिख रहा हूँ उतने ही स्टेप हो, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कितने स्टेप में सॉल्व हो रहा है। बट जब रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा यहां आकर के, उस वक्त जो बी की वैल्यू होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसमें स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हर क्वेश्चन में स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप 148 इक्वल टू लेंगे और कितना होगा हमारा 124, मैं डिवाइड नहीं दे रहा लेकिन मुझे पता है 124 बन जाए 124, सीधा सीधा जाएगा वन टाइम और रिमाइंडर इसमें बचेगा आपका 24, ठीक है। अब स्टेप सिक्स कितना हो जाएगा इस बार, 124 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 प्लस कितना बच रहा है 124 बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सेवन, इस बार क्या जाएगा हमारा 24, तो कितना आएगा 4 इंटू 6 प्लस 0, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आ गया यहां पर, 0 आ गया। तो हमने एक चीज नोटिस ये कर ली कि जब रिमाइंडर यहां पर 0 आ गया, देखो लास्ट आप लिख देना यहां पर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। आर इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, ठीक है। ए इक्वल टू यहां पर 24 और बी इक्वल टू क्या आ गया आपका 4, ठीक है। तो इस जगह जो एस सी एफ आएगा आपका, एस सी एफ वो लास्ट जो बी की वैल्यू होती है वही होती है, ठीक है। एस सी एफ कितना आया आपका 4, ठीक है। तो मैंने आपको ये यूलर्स एल्गोरिथम जो बताया है आपको, ये एस सी एफ फाइंड करने के बताया, इसमें अभी और भी क्वेश्चन है ना। तो इसमें आप जो करेंगे, ठीक है, आपकी जो बुक की एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको एस सी एफ फाइंड करने के लिए, एस सी एफ फाइंड करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, सेकेंड फोर्थ फिफ्थ अभी मत करना, थर्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे, एससीएफ निकालना है। और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ अदर और क्वेश्चन भी हो, आप अपने आरडी शर्मा से या आरएस अग्रवाल, जो भी बुक आप पे हो अवेलेबल हो अभी, ठीक है, पुरानी बुक, वहां से एससीएफ निकालना मोस्टली। देखिए टेंथ की पढ़ाई है, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आज केवल एक ही टॉपिक हम क्लियर करेंगे इस पार्ट में, इस वीडियो में केवल, और वो क्या था हमारा, यूलर्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। A is equal to BQ plus R, where R is greater than and equal to 0 but less than B, ठीक है ना। तो आप मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, कम से कम 15-20 क्वेश्चन इस तरीके के से आप एस सी एफ निकालना, और ये एग्जाम में जरूर आता है, एक नंबर में या दो नंबर में 100% आता है, ये याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। आप ये मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अब इसके एस सी एफ निकालेंगे, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, उसमें और क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है, धीरे धीरे करते जाएंगे इसी तरह। ओके, थैंक यू।